रोज़ रोज़ टिफिन में क्या बनाए? तो आज मैंने बनाया है केवरी के लिए कॉर्न। तो मैं अभी चलो फटाफट से इसको कट कर देती हूँ और उसे दाने सारे निकाल देती हूँ प्लेट में। और एक साइड मैंने कढ़ाई को गर्म करने रख दिया है, जिसमें नमक और हल्दी डाल दी है मैंने, और इस कॉर्न को उसके अंदर डाल दूंगी। उसे ये कॉर्न अमेरिकन कॉर्न बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेकिन मेरा आज फास्ट है इसके लिए मैं ये नहीं खा सकती हूँ। मेरा थर्सडे का फास्ट है, बाहर बढ़िया बारिश का मौसम चल रहा है, तो इस स्वीट कॉर्न को अच्छे से सेक कर खाने का जो मज़ा आता है ना, वो और दुनिया के किसी कोने में नहीं आता। मुझे इस टाइम पे मुंबई की याद आती है, जहाँ पे रास्ते पे बीच पे ये सब मिलता है सेका हुआ। तो चलिए मैं कढ़ाई में अभी फटाफट पानी डाल देती हूँ, और एक साइड दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है हमारे लिए। तो अभी हम दूध वगैरह पियेंगे ताकि एनर्जी तो लेना भाई। और मैं जब भी फास्ट होता है कॉफ़ी प्रेफर करती हूँ, क्योंकि कॉफ़ी ऐसा ही ऐसे बीन है जो आप फास्टिंग में खा सकते हो। तो लीजिए, बन गए हैं उसके कॉर्न और अब पैक हो रहा है उसका टिफ़िन। आज केवरी का टिफ़िन का कलर और कॉर्न का कलर बिल्कुल मैचिंग लग रहा है मुझको। पता नहीं उसको वो देखेगी तब भी वो मुझे यही बोलेगी, उसको ऐसी सारी चीज़ें बहुत जल्दी पता चल जाती है। तो मैं थोड़ा सा और नमक और नींबू का रस डाल देती हूँ ताकि उसको टेस्ट आए। थोड़ा चाट मसाला डाल देती हूँ मैं उसमें, और चम्मच रख देती हूँ, वरना चिल्ला के बोलेगी कि मम्मी चम्मच नहीं रखा था तुमने। और मैं इसमें बटर की जगह घी का इस्तेमाल करती हूँ। लीजिए, हम स्कूल से आ गए, स्कूल का वही रूटीन पूरा कंप्लीट करके आए हैं, और बहुत बारिश थी इसलिए मैंने केहू को बोला जो जूते में सॉक्स गीले हो गए ना बेटा, उसको इस टब में निकाल दो, वरना पूरा घर गीला गीला हो जाएगा। हम लोग अभी नदी पार करके आए हैं, मतलब थैंक्स टू माई फ्रेंड, उनकी वजह से हम अच्छे से रास्ते में आ गए। बहुत बारिश हुई थी, सब जगह पानी भर गया था, और अभी 3 बजे हम अभी घर पे पहुँचे हैं। हम थोड़ा जल्दी निकल गए थे, फिर भी अभी घर पे पहुँचे। बाल बाल सब ऐसे बांध दिया था, और अभी नाश्ता करूँगी, थोड़ा भूख लगी है, तो चलो बनाती हूँ नाश्ता। इसको थोड़ी पूरी बना के दूँगी, कॉर्न बना के दूँगी, और दही बना के दूँगी। आप कभी भी चप्पल मत भूलिए स्कूल में, है ना? और देखना, आज मैं चप्पल भूल गई क्योंकि आज बारिश थी। कल पता कैसा हुआ था आपको? मतलब कल मैं चप्पल लाई थी तो कल बारिश है, आज चप्पल भूल गई तो बारिश देवता को पता चल गया क्या चप्पल भूल गए, तो वो है ना चप्पल बारिश आज ही करवानी थी। कल वो और वो बूट भी और सॉक्स गीले हो गए, तो मुझे कल है ना मुझे डर लगता है टीचर जाके बारिश में टीचर नहीं डांटेगी। तो कल वो चप्पल लेके गई थी कि बारिश जैसा है तो मम्मी रिटर्न में पहन लूँगी, और फिर देखा तो बारिश नहीं आई, तो उसने आज चप्पल या कुछ एक्स्ट्रा पैर ऑफ शूज़ नहीं लिए, क्यों? तो आज बारिश आ गई तो सब गीला हो गया। कोई बात नहीं, कल वापस चप्पल पहन लेंगे। तो लीजिए, अब इसको भूख लगी है तो इसके लिए मैं फटाफट से पूरियां बना देती हूँ। मेरे लिए थोड़ा उपवास के साबूदाने की चिप्स बना देती हूँ, और केवरी के पापा भी आ गए हैं, तो हम लोग अभी कॉफ़ी वगैरह पियेंगे। और नहीं, हाँ सॉरी, कॉफ़ी वगैरह पियेंगे, यस यस भूल गई मैं, कॉफ़ी तो बनानी है ना, उन्होंने बोला है, और इसकी पूरियां भी बनानी है। तो बस आप तो जानती हैं भाई, पूरियां का तो मेरा शॉर्टकट जुगाड़ है, फटाफट छोटी छोटी पूरियों को कट करके फटाफट से छोटे छोटे कढ़ाई में तेल में तल दीजिए, ताकि तेल भी कम वेस्ट हो और उस तेल को हम फटाफट से किसी और में भी यूज़ कर सकें और पड़ा भी ना रहे। तो ये पूरियां भी मस्त गरम गरम फूल के निकल रही है, इसको मैं टिफ़िन में भी ऐसी पूरी देती हूँ, कोई अलग से आटा नहीं बांधती हूँ, क्योंकि रोज़ खाना है तो फिर ये पूरी बेटर रहती है, और जितना कम तेल उतना फटाफट कम, आपसे गैस ज़्यादा बिगड़ता है, बट मुझे सिर्फ कम से कम एक रोटी की पूरी करनी रहती है, यानी छोटी छोटी गिनती, 5 पूरी 5 या 6 पूरी हो गई, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा तेल बिगाड़ने की ज़रूरत है। बीच में से ये डाल दिया, खिली खिली पूरी, दही और ग्रीन चटनी तैयार है, और इसका ये तो इसका मिड इवनिंग स्नैक्स तैयार है जो खा के पेट भरेगी। केहू के पापा ने सरप्राइज देने के लिए मेरे लिए, केहू के लिए, उनके लिए फास्टिंग वाली लस्सी मंगाई है,
और यहाँ पे है पाइनएप्पल थाबड़ी एंड ड्राई फ्रूट लस्सी। और ये लीजिए केवरी हो गई थक के चूर, तो अब वो हो जाएगी सो जाएगी फुल फुर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। न्यू व्यूवर सब्सक्राइब, ओल्ड व्यूवर्स लाइक शेयर कमेंट। बाय बाय एंड टेक केयर। जय माता जी।